अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और आज आप देख रहे हैं जेमकॉन इंजीनियरिंग की एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बताएंगे कि सॉइल टेस्ट क्या होता है और ये क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं और अक्सर लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं होती और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे साथ शाही साहब मौजूद हैं। शाही साहब आप आ गए, ये लैब लेबॉरटरी टेक्नीशियन है और सुपरवाइज़र भी हैं। ये डिटेल में बताएंगे कि इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि जो ये टेस्ट है इसका नाम क्या है। इस टेस्ट का नाम है एसपीडी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये इसलिए की जाती है कि इसके साथ जब बिल्डिंग की बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो इसके साथ हमें पता चलती है। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं जी इस टेस्ट से हमें बेयरिंग कैपेसिटी पता चलती है। बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैं थोड़ा बता दूँ आपको। बेयरिंग कैपेसिटी एक वैल्यू होती है, एक फार्मूले से एक वैल्यू निकलती है जिसमें जिसके ज़रिए पता चलता है कि ये कितने टन पर स्क्वायर फुट लोड बर्दाश्त कर सकती है ज़मीन। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम कितने बोर होल करेंगे, ये जो टोटल है, ये जो घर के लिए हम टेस्टिंग करते हैं उसके 2 बोर होल होते हैं 15 से 20 फीट तक, जहाँ पर हार्डनेस आ जाए, पत्थर आ जाए या इस तरह का सैंडस्टोन आ जाए वहाँ पर हम बोर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे फिलिंग आ जाए वहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जहाँ पे सैंडस्टोन आ जाए वहाँ पे हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसकी बोर होल की जो डेप्थ है वो आप बता दें कितनी होगी। ये अभी स्टैंडर्ड कितनी होती है, ऐसे 20 फीट होती है। तो 20 फीट होती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो अभी हमने एक बोर होल किया है हमारी जो पीछे हुई है, कितने पे खत्म हुआ? 17 फीट पे हमने ख़त्म कर दिया, इसके नीचे जो है ना पत्थर आ गया। अच्छा, पत्थर आ गया, ठीक है। और ये जो है हम प्लॉट के क्रॉस में करते हैं बोर या सेंटर ऑफ द पार्ट, ये दोनों क्रॉस में होता है ताकि दोनों जगह की हमें जो है ना मतलब पता चल जाए कि किस जगह पर हार्ड है, किस जगह पर लूज है, उस हिसाब से हम देख के फिर लैब की जो टेस्टिंग होती है उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमने इतना सीमेंट डालना, इतनी बजरी डालें। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो है SPT, इसका ये जो हम वो सब मेथड कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इसका क्या नाम है जो अभी हम कर रहे हैं? ये जो इस सैंपल से हम टेस्ट करेंगे उसमें ग्रेन साइज होगा। अच्छा, उसके बाद वाटर बैड लिमिट होगी, केमिकल टेस्ट होगा। अच्छा, और NMC, ये 4 टेस्ट होंगे। सही, और ये प्रीकशन मेथड से है हमारा। जी सर, ठीक है। जो है इसके अलावा एक और भी आप बता रहे थे, मेरे ख्याल से रोटरी था वो। जी जी, वो रोटरी जो होती है वो जहाँ पर ज़्यादा मतलब हार्ड स्टेट हो, पत्थर हो या सैंडस्टोन हो, उसकी कटाई के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब कि वो पत्थर को काट के भी रोटरी नीचे चला जाता है। जी जी, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो SPD टेस्ट है ये जियोटेक का सबसे मशहूर फेमस टेस्ट है, ये सदियों से चल रहा है ये टेस्ट, और ये इकोनॉमिकल भी बहुत है और सस्ता भी है, और इसे सबसे ज़्यादा मतलब कि चलता ही जियोलॉजिस्ट इसी को फॉलो करते हैं SPT को। तो थोड़ा सा आप आगे हैं, ये मुझे थोड़ा सैंपल एपरेटस के बारे में बता दें कि क्या क्या है इसमें। आप ये बता रहे थे इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये बुग्गी होती है इसके साथ जो है। ठीक है, और इसका जो होता है वो सैम्पलर। अच्छा ये जो है ये SPT है, इसके साथ हम वो सैंपल लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा हैमर की डिपॉजिट है, ये इसका हैमर है, ये SPT हैमर है। ठीक है, इसके साथ हम ब्लोज मार देते हैं, इससे पता चलता है कितनी ज़मीन सख्त है, कितनी नरम है। अच्छा, इसे नंबर ऑफ ब्लोज आप लोग करते हो? जी ऐसे। ठीक है, पहले आप बुग्गी चलाते हो, उसे बोर होता है, उसके बाद आप ये SPT हैमर करते हो, उसे नंबर ऑफ ब्लोज आप काउंट कर लेते हो कितने में है। पहली जो SPT होती है हमारी 3 फीट पर होती है। ठीक है, 5, तीसरी 7 और फिर 10, 15 और 20। अच्छा, 10, 15 और 20 रुपये। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने सैंपल ले लिया, अब सैंपल लेने के बाद ये जाएगा लेबॉरटरी में। लेबॉरटरी में इस जो सैंपल हमने मिट्टी ली है इसके टेस्ट होंगे। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, एक होता है ग्रेन साइज एनालिसिस, उसमें देखा जाएगा कि ये पार्टिकल अगर है, इस पार्टिकल का साइज़ क्या है, उसकी उसके बाद इसका लिक्विड लिमिट कितनी होती है, प्लास्टिक लिमिट कितनी होती है, फिर जाके बेयरिंग कैपेसिटी हम इसकी फाइंड करेंगे तैरजागी के फार्मूले से, किसी भी तरीके से वो हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग शुरू करेगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो जियोटेक के बारे में, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह।